हाय सोल फैमिली, आज हम ये पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। मेरे पास ये तीन पाइल्स हैं और आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लें और बहुत ज़्यादा ज़ोर ना डालें, जो भी पहले आपको अट्रैक्ट करे। और हम ये जानेंगे कि जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है वो कैसे होंगे, और या फिर उनका नेचर कैसा है, वो कैसे होंगे, उनकी क्या क्वालिटीज़ होंगी या क्या उनकी वीकनेसेस होंगी। तो हो सकता है आप जिनको पसंद करते हैं और जिनसे शादी करना चाहते हैं ये वही हो, ये कॉन्फर्मेशन होगा आपके लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो आप अपना पाइल चूज़ कर लें, हो सके तो अगर आपको दो पाइल्स अट्रैक्ट करती हैं तो दोनों पाइल चूज़ कर लें, हो सकता है आपके लिए मैसेजेस दोनों पाइल्स में हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपके सामने आए ये आपके लिए होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। जिन्होंने ये पहला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 कार्मिक क्लेंजिंग, तो इससे मैं आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ कर्मा जो है वो बहुत फास्ट जो है प्रोसेस हो रहे हैं, कट रहे हैं, या फिर वो अपने कुछ कार्मिक चीज़ों से इस वक्त डील कर रहे हैं जो उनके लिए कुछ हद तक मुश्किल भी हो सकती है। ओके, तो बट ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं और ये जिस काम को ठान लेते हैं ये वही करते हैं, और ये उसको करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा देते हैं, पूरी हिम्मत लगा देते हैं। ये इंसान के लिए जीत बहुत मायने रखती है, ये कोई भी काम करें ये उसमें जीतना पसंद करते हैं। ओके, और ये इंसान जो है ये बहुत खुश मिजाज है, यानी दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लाइक बहुत बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत बहुत ही काइंड हार्ट है इनका। और ये बच्चों को बहुत पसंद करते होंगे, साथ ही साथ ये बहुत इमोशनल भी हैं, लेकिन इनके खुद के शायद चाइल्डहुड में, मतलब इनके बचपन में कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें उदास कर देती हैं ना। जब ये अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो ये उदास हो जाते हैं, और शायद इसीलिए ये बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत काइंड हार्टेड हैं, बच्चों की तरफ बहुत काइंड हार्टेड हैं, इनको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बहुत अबंडेंट है, इनके पास सब कुछ है। बट इनके पास जो है प्यार शायद इनके पास कम है, और इनके बचपन में से लेकर आज तक इन्होंने कुछ ऐसा फील किया है कि ये किसी परिस्थिति में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जबकि वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत आसान है। ये अपने दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, अपने दिमाग से ही ये बंधे हुए हैं, तो अगर ये अच्छी तरह देखें तो ये निकल सकते हैं उस परिस्थिति से। लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, इसे टीम वर्क बहुत पसंद है, और टीम वर्क के साथ साथ ये बहुत अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं, ये ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं, और नेचर को बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे, जहाँ भी होंगे ये कोई टॉप पोजीशन पे होंगे, क्योंकि इनके लिए जीत बहुत मैटर करती है, और काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी पैशन ड्रिवन हैं, और एक शाइनिंग स्टार की तरह हैं ना, ब्राइट हैं काफ़ी, मतलब या ये देखने में भी बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी ब्राइट फेस होगा। जैसे ये अगर ये रूम में एंटर करे तो रूम बिल्कुल लाइटेड अप हो जाएगा, लाइक इनकी प्रेजेंस इट्सेल्फ जो है वो रूम को एक अलग ही वाइब्रेशन से भर देगा। तो ये है आपके पर्सन की पर्सनालिटी। मुझे आशा है कि ये ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर ना भी करे तो आप कोई दूसरी पाइल देख लें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शादी के लिए। और अब देखते हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने ये दूसरा पाइल चूज़ किया है, शिव शक्ति। तो इन पाइल के लोगों के लिए बता दूं कि आपका जो भी पर्सन है वो अभी जो है एक बैलेंस, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये पर्सन या तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है या इसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज
आ रहा है। तो ये पर्सन जो है ये बहुत अच्छा होगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा, ये बोलना बहुत अच्छा बोलते होंगे, ये किसी ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ इनकी यू नो आवाज़ को, इनकी बातों को बहुत अहमियत दी जाती होगी, और बहुत काफ़ी रिच हैं, अबंडेंट हैं, इनके पास सब कुछ है, ये बहुत नेचर लविंग हैं, काफ़ी पैसे वाले भी हैं, और बहुत मतलब इनके लिए भी जीत जैसे कि बहुत मायने रखती है ज़िंदगी में, ये सब कुछ है इनके पास, ओके। लेकिन ये जो है ये अपने इमोशंस को दिखाते नहीं, इन्हें अपने इमोशंस को दिखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये काफ़ी इमोशनल हैं, और अगर इनके साथ कोई ऐसी बात हो जाए जो इनको चोट पहुंचा दे या ये मतलब दुखी हो जाए उस चीज़ से, तो ये उसको जो है काफ़ी मतलब बहुत संजीदगी से लेते हैं और अपने अंदर बहुत सोचते हैं उस चीज़ को, हालांकि ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसे बाहर नहीं बताएंगे, बट ये अपने अंदर बहुत सोचेंगे उस चीज़ को, और उस चीज़ को लेट गो करने में, उस चीज़ को छोड़ने में इनको परेशानी होती है, क्योंकि इनके लिए जो है अपनी जो पोजीशन और अपनी इमेज काफ़ी मैटर करती है, या अपनी इमेज को लेकर ये बहुत सावधान रहते हैं, और बट ये पर्सन भी काफ़ी मतलब अपने से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सिंपल पर्सन है, बहुत इनोसेंट हैं, और इनके जो एक बहुत प्लेफुल एनर्जी में हैं, अब मतलब एक बच्चे की जैसी एनर्जी है इनकी, और ये अपने आप को वैसा ही पसंद करते हैं, और ये पर्सन या तो तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं, कईयों के लिए ये तैयार हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जो बैलेंस हो रही है इनकी बॉडी में, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और या तो ये बिल्कुल करीब हैं या फिर ये हो चुके हैं तैयार, और इनकी ज़िंदगी ये काफ़ी अड़ियल टाइप के भी हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ को छोड़ने में इन्हें बड़ी परेशानी होती है, हाँ, और ये जैसे अब किसी चीज़ को छोड़ने में परेशानी होती है, इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में भी इन्हें परेशानी होती है, तो ये जो चीज़ को मतलब जैसे कोई भी चीज़ में एडजस्ट जल्दी कर जाते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं, और वहाँ से निकलने में इनको परेशानी होती है, ये ना चाहते हुए भी कभी कभी शायद बहुत अजीबोगरीब सिचुएशंस में फंस जाते हैं। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की ओर। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है डिवाइन टाइमिंग, मैं इन्हें ये बता दूँ कि ये जो इंसान हैं ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, और अपनी ज़िंदगी में जैसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं सोर्स के साथ, और बस अब ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने जैसे सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, और ये इंसान ये कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पोजीशन में हैं जो कि यू नो बिल्कुल जैसे एक क्राउन्ड प्रिंस की तरह या किंग की तरह हैं ये अपनी पोजीशन में, और लेकिन इस इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, या आ चुका है या आएगा या आ रहा है, हो सकता है उस ये भी जो उस चेंज से गुज़र रहे हों, इनका रीबर्थ होगा, इन्हें जैसे अपने पुराने तौर तरीके बिल्कुल बदलने पड़ेंगे, इन्हें बिल्कुल एक नई दिशा में अपनी ज़िंदगी को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इस इंसान के पास वो नहीं है जो ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं एक बहुत ही लविंग पार्टनर अपनी लाइफ में, ये प्यार को बहुत अहमियत देते हैं, और ये सिर्फ उस एक इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो इसकी ज़िंदगी में आए, तो ये इंसान को उसे पाने के लिए इस इंसान को रीबर्थ से गुजरना पड़ेगा, और ये इंसान जो है ये काफ़ी यू नो हर चीज़ को अगर कोई भी काम को ये शुरू करते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करते हैं, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे या गुज़र चुके हैं, कईयों के लिए ये गुज़र चुके हैं, और ये बिल्कुल जैसे तैयार हैं आपके लिए, ये बिल्कुल तैयार हैं, और अगर ये आपका पर्सन है तो ये इस वक्त जो है बिल्कुल तैयार है,
कुछ हद तक कईयों के लिए ये भी है, ये इंसान प्यार को इतनी अहमियत देता है, फैमिली को इतनी अहमियत देता है कि ये जब जब दूसरों की खुशहाल ज़िंदगी को देखता है और ये उसे देखकर ये सोचता है कि काश मेरी भी ऐसी यू नो फैमिली हो, ऐसा पार्टनर हो, तो इस इंसान के सपने कुछ इस तरह के हैं। और ये खुद को जैसे एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी में ये देखना चाहते हैं। और इस इंसान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इस यू नो लाइक जिनकी वजह से ये काफ़ी एरोगेंट महसूस करते होंगे कभी कभी, या जैसे अपने ऊपर इन्हें फ़क्र होगा कुछ चीज़ों में, कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर। तो इन्हें जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, इनका रीबर्थ होगा, और उस रीबर्थ के लिए इन्हें अपने जो इस ईगो सेल्फ का त्याग करना पड़ेगा। इन्हें एक कम्प्लीटली डिफरेंट रूप, ये अलग ही रूप में आ जाएंगे। ये एक्चुअली सबको शॉक भी कर सकते हैं अपने यू नो बदलाव से, अपने चेंज से, और ये और ज़्यादा मतलब अपने आप के साथ और अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल है और काफ़ी ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी एक ही इच्छा है कि इसकी बहुत ही लविंग पार्टनर हो, बहुत ब्यूटीफुल सी फैमिली हो। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। तो फ्रेंड्स, जो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो उसे ले लें, और अगर नहीं की है तो कोई और पाइल देख लें या कोई मेरी और वीडियो देख लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मोर लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू।